भारत माता की, भारत माता की। बेंगलुरुना नन्ना सोदरा सोदरियागे नमस्कार गळु। ताई भुवनेश्वरी, ताई अणम्मा, देवी बनशंकरी, श्री दोड्डा गणपति और श्री दोड्डा बसवणा के चरणों में मेरा प्रणाम। आज पूरे बेंगलुरु में इतनी बड़ी संख्या में आप यहां आए हैं और संदेश भी साफ साफ है, फिर एक बार भाई और बहनों, 2014 में और 2019 में आपने रिकॉर्ड सीटें जीताकर जो मजबूत सरकार बनाई, उसने देश को मजबूत बनाया। तब दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिनती थी। दुनिया सोचती थी भारत खुद तो डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा। भारत के बैंक बड़ी क्राइसिस में थे, हजारों करोड़ के स्कैम्स ने विदेशी इन्वेस्टर्स में डर का माहौल पैदा कर दिया था। एक वो समय था, एक आज का समय है। आज जब देश भारत से दुनिया में कहीं पर जाइए, सब देश भारत से दोस्ती मजबूत करना चाहते हैं। आज इन्वेस्टर्स भारत में रिकॉर्ड पैसा लगा रहे हैं। आज भारत रिकॉर्ड एक्सपोर्ट भी कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग में भी नए रिकॉर्ड बना रहा है। तब भारत दुनिया की 11th नंबर की इकोनॉमी था, आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में से एक है। आज भारत फॉलो करने वाला नहीं बल्कि फर्स्ट मूवर हो गया है भारत। और ये चेंज आपने देखा है, सिर्फ और सिर्फ ये 10 ईयर में आया है। और इसका मूल कारण क्या है? इतना बड़ा परिवर्तन आया कैसे? ये परिवर्तन किसने किया? आपका जवाब गलत है। ये परिवर्तन आपके एक वोट ने किया है। इस चुनाव में इंडियन अलायंस के लोग एक घिसी पीटी टैप रिकॉर्ड लेके घूम रहे हैं और मोदी और उसके साथी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बेंगलोर के लोगों से, आप सभी से फिर एक बार आशीर्वाद मांगने आया हूं। भाई और बहनों, आप सभी
बीते कुछ समय से एनडीए और इंडी अलायंस दोनों का प्रचार अभियान देख रहे हैं। कांग्रेस और इंडी अलायंस का इश्यू मोदी है, मोदी का परिवार है, मोदी पर लगाए जा रहे झूठे आरोप हैं, लेकिन मोदी का फोकस किस पर है? मोदी का फोकस 21st सेंचुरी के भारत का विकास है, भारत के नागरिकों की सुविधा और समृद्धि है, भारत की ग्लोबल इमेज है। आप ही मोदी का परिवार है, मेरा भारत मेरा परिवार है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं मैं साधारण गरीब परिवार से आया हूं, इसलिए जानता हूं कि ईज ऑफ लिविंग क्या होती है, डिग्निटी ऑफ लाइफ क्या होती है। आज जब भारत में तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, तब शहरों में रहने वाले गरीब, यहां के मिडिल क्लास, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में बहुत सुधार आना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। इसके लिए एनडीए सरकार सोशल, फिजिकल और डिजिटल इन तीनों प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथियों, पिछले 10 ईयर्स में एनडीए सरकार द्वारा शहरों में गरीबों को करीब 1 करोड़ पक्के घर दिए गए। इनमें से 84,000 घर यहां बेंगलुरु में मिले हैं। मिडिल क्लास के लोगों का घर का सपना पूरा करने के लिए सरकार ने उन्हें इंटरेस्ट सब्सिडी दी है, और ये आजादी के बाद पहली बार हुआ है। ऐसा करके हमारी सरकार ने मिडिल क्लास के 60,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा सेव कराए हैं। गरीब और मिडिल क्लास के घर इनकम्प्लीट न रहे। जो बिल्डर है वो आधा अधूरा छोड़ करके पैसे दबा करके चला ना जाए, मध्यम वर्ग के परिवार का सपना टूट न जाए, इसके लिए एनडीए सरकार ने रेरा कानून बनाया। आज बेंगलुरु के भी 3,000 से ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट रेरा के तहत कवर्ड है। उसके कारण जो एग्रीमेंट हुआ है वैसा ही मकान बनाकर देना पड़ता है, जो मटेरियल लिखा है वो ही मटेरियल उपयोग करके देना पड़ता है। आप अपने क्लाइंट को गुमराह नहीं कर सकते, उसको लूट नहीं सकते। ऐसा रेरा कानून आप सब नागरिकों की भलाई के लिए बनाया है। 2014 से पहले आपकी 2 लाख की एनुअल इनकम पर ही इनकम टैक्स लग जाता था, आज आपको 7 लाख रुपीस तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। 2014 से पहले अलग अलग तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके कपड़ों का बिल, रेस्टोरेंट में खाने का बिल, हर तरह के खर्चे बढ़ा देते थे। जीएसटी लागू होने के बाद
ये इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कम हुए हैं। इससे भी आपके थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज खर्च होने से बचे हैं। जो एलईडी बल्ब कभी 400 रुपीज का था, अब उसकी कीमत 400 से 40 रुपीज तक ले आए हैं। अब घर घर में एलईडी बल्ब होने से रोशनी ज्यादा मिलती है, बिजली बिल में मिडिल क्लास के करीब 20,000 करोड़ रुपीज हर साल सेव हो रहे हैं। अब तो एनडीए सरकार ने एक और नई योजना शुरू की है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इससे इलेक्ट्रिसिटी का आपका बिल जीरो होगा। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से कमाई भी होगी। इतना ही नहीं, अब जमाना ईवी का आ रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का आ रहा है, उसके कारण आप अपनी स्कूटी हो, स्कूटर हो, कार हो, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो उसका चार्जिंग भी घर में करवा सकते हो, और आपको घर में चार्जिंग करने के बाद खुद का ट्रांसपोर्टेशन भी करीब करीब फ्यूल का खर्चा जीरो हो जाएगा। साथियों, गरीब और मिडिल क्लास का बहुत बड़ा खर्च हेल्थ रिलेटेड होता है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना इसमें गेम चेंजर साबित हुई है। आयुष्मान भारत योजना के चलते आज करोड़ों लोगों को 5 लाख रुपीज तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलना सुनिश्चित हुआ है। इससे भी लोगों के 1 लाख करोड़ रुपीज सेव हुए हैं। और अब बीजेपी ने अपना जो मैनिफेस्टो घोषित किया है उसमें इस योजना को एक्सपांड कर दिया गया है। देश के हर ऐसे सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज 70 इयर्स से ऊपर है, उन्हें भी अब 5 लाख रुपीज तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। और ये फैसला सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को ही नहीं, बल्कि हर युवा को भी रिलीफ देगा जो अपने माता पिता की हेल्थ के प्रति चिंतित रहते हैं। एनडीए सरकार ने जो जन औषधि केंद्र खोले हैं उनमें 80% डिस्काउंट पर मेडिसिंस मिलती है। इससे भी मिडिल क्लास के करीब 30,000 करोड़ रुपीज सेव हुए हैं। साथियों, बेंगलुरु तो डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा हब है, भारत की डिजिटल क्रांति में आपकी इतनी बड़ी भूमिका है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर भारत में मोबाइल डेटा का रेट 2014 वाला ही रहता तो क्या होता। उस समय 1 GB डेटा 250 रुपीज के आसपास होता था, आज 1 GB डेटा 10 रुपीज के आसपास है। अगर 2014 के पहले उस समय का हाल होता तो मोबाइल का जो बिल आज 500 to 700 का आता है, वही 5 to 7,000 रुपीज का आता। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी पर मंथ कितनी ज्यादा सेविंग सिर्फ मोबाइल बिल में हो रही है। साथियों, सस्ते डेटा के साथ ही एनडीए सरकार का जोर डेटा गवर्नेंस पर भी है। हमारी सरकार
डेटा सिक्योरिटी के लिए बहुत ही स्ट्रांग बिल लेकर आई है। डेटा मोनेटाइजेशन की दिशा में भी भारत तेजी से काम कर रहा है। इससे देश में एक स्ट्रांग सिस्टम बन रहा है। भारत के लिए एआई युग में जाना आसान हुआ है। साथियों, नाड़ प्रभु केम्पेगौड़ा ने बेंगलुरु को एक शानदार शहर बनाने का सपना देखा था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कुछ ही समय में यहां की सिचुएशन बिगाड़ दी। कांग्रेस ने टैक्स सिटी को टैंकर सिटी में बदलकर उसे वॉटर माफिया के हवाले कर दिया। एग्रीकल्चर हो या फिर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह बजट को कट किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार का ध्यान सिर्फ करप्शन पर है, बेंगलुरु के लोगों की समस्याओं पर नहीं है। कर्नाटका में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट तेजी से चल पा रहे हैं। 2014 में नम्मा मेट्रो का नेटवर्क सिर्फ 17 किलोमीटर था, आज 70 किलोमीटर से ज्यादा हो चुका है। बहुत जल्द येलो लाइन भी पूरी हो जाएगी। दशकों से लटके बेंगलुरु सबर्बन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। आप सभी को सैटेलाइट टाउन रिंग रोड का लाभ भी मिलना शुरू हो चुका है। भाइयों और बहनों, आज बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दुनिया भर में चर्चा होती है। वो दिन दूर नहीं जब भारत के लोग मेड इन इंडिया पैसेंजर प्लेन में सफर करेंगे। आज वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें ट्रेन ट्रैवल को तेज और कंफर्टेबल बना रही है। वो दिन दूर नहीं जब कर्नाटका को भी बुलेट ट्रेन की हाई स्पीड मिलेगी। साथियों, बीजेपी सरकार ने देश में नए नए सेक्टरों के दरवाजे खोले। इसे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट के अवसर बने हैं। बेंगलुरु को, यहां के प्रोफेशनल्स को इसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। हमने स्पेस सेक्टर खोला तो प्राइवेट सेक्टर ने अपना रॉकेट लॉन्च किया। 1.25 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स में युवाओं का सामर्थ्य दिख रहा है। मिशन ग्रीन हाइड्रोजन से इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं कई गुना बढ़ गई है। आसान ड्रोन पॉलिसी से मैपिंग, कृषि, रक्षा, मेडिसिन के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग बढ़ा है। 5G के विस्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में अवसर बनने लगे हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने लाखों डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स तैयार किए। PLI स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मोबाइल एक्सपोर्ट में भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है। मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे, डिफेंस इक्विपमेंट्स भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आपने टीवी में देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा, कल ही भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का पहला कंसाइनमेंट फिलीपींस को भेजा गया है। इसने ग्राउंड लेवल पर बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा की है। क्या कांग्रेस के समय में ये कल्पना भी की जा सकती थी क्या?
आपको याद होगा यही कांग्रेस है जिसने एचएएल को लेकर कितना बड़ा बवाल किया था। कांग्रेस ने देश भर में मोदी को बदनाम करने की कोशिश की थी। वही एचएएल आज रिकॉर्ड टर्नओवर, रिकॉर्ड प्रॉफिट, रिकॉर्ड ऑर्डर प्राप्त कर रही है। कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनी है। अमेरिका के बाद बोइंग की दूसरी सबसे बड़ी फैसिलिटी कर्नाटका में बनी है। ये तभी हो पा रहा है जब भारत में फैक्ट्रियां बढ़ रही है, उसमें काम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। भाई और बहनों, बेंगलुरु युवा शक्ति, युवा टैलेंट और टेक्नोलॉजी का पावर हाउस है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन टेक्नोलॉजी के विरोधी है। आज पूरी दुनिया डिजिटल इंडिया की प्रशंसा कर रही है, भारत के फिनटेक की प्रशंसा कर रही है, लेकिन आप भूलिएगा नहीं, कांग्रेस ने आधार का विरोध किया था, अदालतों में घसीट कर ले गए थे। कांग्रेस ने जनधन अकाउंट्स का विरोध किया था। कांग्रेस ने डिजिटल पेमेंट्स का मजाक उड़ाया था। कांग्रेस ने राशन की योजना में डिजिटल ऑथेंटिफिकेशन का विरोध किया। कोरोना के समय बेंगलुरु की एक आईटी इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को इतना सपोर्ट किया, लेकिन यही कांग्रेस है जिसने कोरोना के दौरान कोविन प्लेटफॉर्म का विरोध किया। कांग्रेस ने मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को बदनाम किया। साथियों, मोदी कहता है देश को ग्रीन एनर्जी हब बनाएंगे, फार्मा हब बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल हब बनाएंगे, सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, ग्लोबल इनोवेशन हब बनाएंगे, ताकि भारत ग्लोबल इकोनॉमी का हब बने। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं मोदी को हटाएंगे। मोदी की गारंटी है 5G के बाद 6G लाएंगे, वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। मोदी की गारंटी है AI लाएंगे, वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। मोदी की गारंटी है चंद्रयान के बाद गगनयान का गौरव दिलाएंगे, तो वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। कांग्रेस एंटी यूथ है, क्योंकि कांग्रेस एंटी इन्वेस्टमेंट है, कांग्रेस एंटी एंटरप्रेन्योरशिप है। कांग्रेस एंटी प्राइवेट सेक्टर है, कांग्रेस एंटी टैक्सपेयर है, कांग्रेस एंटी वेल्थ क्रिएटर है। साथियों, यहां कांग्रेस सरकार जिस प्रकार के विचारों को, जिस मानसिकता को बढ़ावा दे रही है, वो भी बहुत खतरनाक है। यहां हमारी बेटियों पर हमले हो रहे हैं, बाजारों में बम फूट रहे हैं, भजन कीर्तन सुनने पर भी हमले हो रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है, और इसलिए मैं बेंगलुरु के और कर्नाटका के भाइयों से आग्रह करूंगा, ये कांग्रेस से बहुत अलर्ट रहना है। भाई और बहनों,
जहां बेंगलुरु के ग्रामीण क्षेत्र से भी काफी लोग आए हैं। एग्रीकल्चर को आधुनिक बनाने के लिए भी हमारी सरकार हर प्रयास कर रही है। यहां तो हमारे येदियुरप्पा जी मंच पर है, जिन्होंने किसान कल्याण के लिए इतना काम किया है, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार किसानों की भी विरोधी है। मुझे बहुत दुख है, यहां कर्नाटक में किसानों को दी जा रही 4000 रुपीज की मदद कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी है, लेकिन मोदी की गारंटी है कि पीएम किसान सम्मान निधि के 6000 रुपीज किसान साथियों को मिलते रहेंगे। केंद्र सरकार ने किसानों के अनाज को स्टोर करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना भी शुरू की है। यहां की रूरल बेल्ट में बड़ी मात्रा में रागी उगाई जाती है। हम रागी जैसे हमारे श्री अन्न को दुनिया के बड़े बाजारों तक पहुंचाने में जुटे हैं। इसका सीधा लाभ कर्नाटका के हमारे छोटे किसानों को होगा। साथियों, ऐसे ही अनेक बड़े संकल्प हैं जो आपके सपने पूरे करने के लिए एनडीए सरकार ने संकल्प लिया है। आपके सपने पूरे करने के लिए ही बीजेपी और जेडीएस साथ आए हैं, और इसलिए मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके सपने ये मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम, और मैं आपको वादा करता हूं 24/7 फॉर 2047। और इसलिए 26 अप्रैल को बेंगलुरु नॉर्थ से शोभा जी, बेंगलुरु रूरल से डॉक्टर सीएन मंजुनाथ, बेंगलुरु सेंट्रल से पीसी मोहन और बेंगलुरु साउथ से युवा साथी भाई तेजस्वी सूर्या को भारी मतों से विजयी बनाना है। इस बार बेंगलुरु शहर में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। साथियों, वैसे आप सभी के लिए मैंने अपने भाषणों को कन्नड़ा भाषा में ट्रांसलेट करके सोशल मीडिया पर अपलोड करना शुरू किया है। इसमें एआई की मदद ली जा रही है। ट्विटर यानी एक्स ऐप पर नमो इन कन्नड़ा नाम से एक अकाउंट भी है, आप इससे जरूर जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी इसके बारे में बताएं। मेरा एक काम करना है, करेंगे, मेरा एक काम करेंगे पक्का। पहले तो ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे, अपना पोलिंग बूथ जीतोगे, फिर एक मेरा पर्सनल काम करोगे। पर्सनल है, करेंगे। घर घर जाना है और हर घर जाकर कहना है हमारे मोदी जी आए थे और आपको प्रणाम कहा है। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे, मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद।
विश्व अत्यंत जनप्रिय नेतार भारत हेम्मय प्रधानी सन्मान्य नरेंद्र भाई मोदी और एल्लर परवागी वर्षद मोदलनेय जलधारेयन्न तंदिरतक्कंत नरेंद्र मोदी अवरिगे मत्तोम्मे जयकारवन्न कूगी नावु अवरिगे बिल कोडोण भारत माता की भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम।